हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो भाइयों, हमारे जुरासिक पार्क के जंगलों में आ चुका है एक बहुत बड़ा सांप। इस सांप ने डायनासोर्स के बहुत सारे अंडों को खा लिया है। दोस्तों, ये सांप डायनासोर्स के अंडों को ही नहीं उनके बच्चों को भी मार देता है। अभी बड़े ही दुख की बात है कि उसने मेरे एक डायनासोर के बच्चों को भी मार दिया है। यार, ये कल रात को बाहर ही रह गया था। मैंने इसको बुलाया भी था, लेकिन ये बाहर पता नहीं कैसे रह गया। और आखिर वही हुआ जिसका डर था, वो मेरे घर पर आकर इसको मार के चला गया। वैसे वो सांप अकेला नहीं है, उसके जैसे बहुत सारे सांप जुरासिक पार्क में आ चुके हैं। वो सारे के सारे जंगली जानवरों को वो खाए जा रहे। लेकिन उसने मेरे डायनासोर के बच्चे को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मालिक, मुझे चॉकलेट खानी है। कौन बोला कुतरिया? यहाँ पे तुम्हारा भाई मर चुका है और इन लोगों को चॉकलेट खानी है। यार, इन लोगों को तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। और यहाँ पे देखो मेरे डोगे लोग, भाई तुम लोग मेरे घर की रक्षा के लिए हो और तुम लोग आराम से रात में सो जाते हो और यहाँ पे मेरे डायनासोर का बच्चा मर गया। दोस्तों, आज उसने मेरे एक डायनासोर के बच्चे दोबारा है, कल वो दोबारा से आकर वो इन सब को भी मार देगा। वैसे इनकी ही बात नहीं है, जुरासिक पार्क में जो अंडे और बाकी बच्चे लोग हैं ना, वो उन सब को भी मार देगा। मेरे को कैसे भी करके उनको बचाना पड़ेगा। मालिक, तुम उन अंडों को हमारे घर पर लेके आ जाओ। वैसे आइडिया तो इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूंगा जुरासिक पार्क के सभी अंडों को अपने घर पे लाने की। चलो भाई लोग, अपना बैग उठाते हैं और चलते हैं सीधा जुरासिक पार्क में। वहां से लाएंगे हम लोग डायनासोर के अंडे। वैसे इस वाले बैग के अंदर डायनासोर के सभी अंडे आ जाएंगे क्या? मेरे को नहीं लगता। लेकिन हाँ, मेरे पास में जो कार है ना, हेमर कार, इसके पीछे काफी जगह है, हम लोग इसके पीछे भी अंडे रख सकते हैं। चलो भाई लोगों, अपनी कार को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सीधे जुरासिक पार्क के जंगल में। अभी वो सांप मेरे को बीच में ना रोक ले भाई, वैसे वो दिन के अंदर तो क्या ही आएगा भाई। वैसे मैं आपको बता दूं भाई, उस सांप ने जगह जगह पे अपने बिल बना लिया है। वो जमीन के अंदर चलता है और सीधा घरों के अंदर से निकलता है भाई। वो तो काफी ज्यादा डेंजर बन चुका है। इसके दांत तो देखो कितने ज्यादा बड़े बड़े हैं भाई, ये तो मेरे को एक सेकंड के अंदर ही मार देगा। वैसे डरने की इतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले उस सांप को शहर के कोने कोने में ढूंढ रहे हैं। ये देखो भाई, पुलिस वालों की 3 गाड़ियां तो मेरे जस्ट सामने से जा चुकी है। लेकिन उसको मारने से ज्यादा जरूरी है उससे अंडों को बचाना। चलो भाई लोगों, जुरासिक पार्क में चलते हैं हम लोग तो अंडों को बचाने के लिए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं जुरासिक पार्क में और अभी मैं उन सभी अंडों को देखता हूँ कि भाई वो अंडे बचे भी है कि या फिर उस सांप ने सारे के सारे अंडे खा लिए। भाई ये सब लोग किधर गए रे? हाँ तो अभी भाई मेरे को कोई ना कोई तो दिखा है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे घूम रहे और उनके पास भी अंडे भी है रे। इनका मम्मी पापा किधर गया? एक सेकंड भी उतर के देखता हूँ। अरे भाई, मम्मी पापा का नाम लिया और एक तो आ भी गया। ए भाई, मेरे को मार मत डालना ठीक है? वो देखो एक और आ चुका है, इनका पिताजी भी आ चुका है। भाई मार मत देना, मैं ठीक है पहले बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे अंडे चोरी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे अंडे बचाने के लिए आया हूँ। मेरे को अंडे दे दो रे ठाकुर। नहीं भाई, ये देखो पैर रख लिया अंडे के ऊपर, मेरे को अंडे ही नहीं लेने दे रहा है। ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे अंडों को बचाने के लिए आया हूँ रे। वैसे भी तुम्हारे अंडे है भाई, तुम लोग कुछ भी करो, मैं अंडे तो लेके जाऊंगा चाहे से तुम लोग कुछ भी करो। पीछे हटो, मेरे को अंडों को देखने दो। चलो भाई लोगों, अंडों को तो मैं देख लिया हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो भाई कुछ लोग मर भी चुके हैं। ए भाई, इन बच्चों को किसने मार दिया? बाकी बच्चे लोग तो ठीक है, ये देखो भाई ये लोग तो बिल्कुल ठीक है। फ्रैंकलिन भैया, मुझे पेप्सी पीनी है। अरे अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है भाई, जंगल में रहने वाले बच्चे भी बिगड़ चुके हैं। मैं जल्दी से यहाँ से भाई अंडे उठाता हूँ, क्योंकि ये बच्चे लोग तो मुझे पागल कर देंगे। कोई पेप्सी मांगता है तो कोई चॉकलेट मांगता है। भागो भाई भागो, मैंने अंडे तो उठा लिया हूँ, लेकिन मेरे बैग के अंदर तो मात्र एक अंडा ही आया है। चलो भाई, इस एक अंडे को तो मैं लेके जाता हूँ, बाद में आऊंगा ना तो इन सारे अंडों को लेके जाऊंगा। मैं भगाता हूँ, मेरे पीछे वैसे कौन आ रहा है? भाई ये लोग मेरे पीछे पड़ चुके हैं, इनका एक अंडा जो चुरा लिया मैंने। भागो भाई भागो, जल्दी जल्दी भागो। मैं कैसे यानी पीछा छुड़ाऊँ इन दो बड़े डायनासोर से? एक काम करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी को 100 की स्पीड में भगाता हूँ। भाग लो भाई भाग लो, ये लोग तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। चलो भाई, कम से कम एक अंडा तो बचाना कम से कम। गाड़ी स्पीड में होने की वजह से भाई ये तो अनकंट्रोल होती ही जा रही है। और आप लोगों को भाई ये वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और जो लोग हमारी सारी वीडियोस देखना चाहते हैं, वो सब्सक्राइब के पास भी एक घंटी का बटन है, उसको भी दबा के ऑल पे सेट कर लो। जल्दी जल्दी से कर लो भाइयों। और अभी हम लोग जा रहे हैं इस अंडे को छिपाने के लिए। वैसे इस अंडे को मैं छिपाऊं तो छिपाऊं कहां पे? मैं इसको घर पे तो नहीं ले जाने वाला, क्योंकि घर पे तो वो एनाकोंडा आ ही जाएगा। हाँ, उस सांप का नाम एनाकोंडा ये भाई, वो काफी बड़ा है, इसलिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर। वहाँ पे बहुत सारी जगह है भाई, हम लोग इस अंडे को आराम से वहाँ पे छुपा सकते हैं। वैसे वहाँ पे वो सांप आ गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे?
अभी मेरे को तो नहीं पता, लेकिन मैं सबसे ऊंचाई वाली जगह पे उसको छिपाऊंगा। हाँ वैसे वो गया कहाँ पे, मेरे को दिख चुका है कंस्ट्रक्शन एरिया, इसका नाम काफी अजीब है। वैसे यहाँ पे भाई काफी अधूरी चीजें रखी हुई है। तो हम लोग आ चुके हैं कंस्ट्रक्शन एरिया के पास में। चलो मैं जल्दी से इस अंडे को यहीं कहीं पे छुपा देता हूँ। वैसे मैं कहाँ पे छुपाऊँ भाई, यहाँ पे तो काफ़ी सारी जगह है ना। चलो भाई कोई ना, मैं बिल्डिंग के ऊपर छुपा देता हूँ इसको। लेकिन बिल्डिंग के ऊपर जाने से पहले मैं नीचे ही कोई अच्छी जगह ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अभी गाड़ी के नीचे तो हम लोग उतर चुके हैं, मैं कहाँ पे छुपाऊँ इसको। यहाँ पे देखो भाई कितने सारे टायर रखे हुए है, हम लोग इन टायर के अंदर भी छुपा सकते हैं। वैसे ऊपर देखो टावर भी है और घर भी है, यानी हम लोग भाई काफ़ी जगह यहाँ पे आराम से हम लोग इसको छुपा सकते हैं। इन टायर के अंदर भाई वो सांप ढूंढ थोड़ी पाएगा। एक सेकंड में चल के देख लेता हूँ यहाँ पे कहीं पे कोई अच्छी जगह होनी चाहिए। नहीं भाई यहाँ पे तो मेरे को कोई भी अच्छी जगह नहीं मिली। और मैं अभी आ चुका हूँ एक बहुत ऊंचे टावर पे। भाई ये जगह इस अंडे के लिए काफी सुरक्षित होगी, यहाँ पे वो कभी नहीं आ सकता। चलो भाई लोगों मैं इस अंडे को यहाँ पे रख तो दिया हूँ। ये देखो भाई इस डायनासोर के बच्चे की आग भी मेरे को दिख रही है। चलो भाई मैं तो यहाँ से चलता हूँ, वैसे वो बच्चा इसके अंदर से बाहर आने वाला है। वैसे मैं उसको नीचे लेके आऊंगा कल वापस। चलो भाई लोगों आप भी पता है मैं कहाँ पे जा रहे वाला हूँ, पुलिस वालों के पास भी। देखता हूँ कि उन लोगों ने वो एनाकोंडा पकड़ा कि नहीं पकड़ा। लेट्स गो भाई, अभी जल्दी ही सीधा पुलिस स्टेशन। पुलिस वालों की भी तो देखे ना कितनी हिम्मत है, क्या वो लोग उस सांप को पकड़ पाएंगे। वैसे वो सांप भाई ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के ऊपर भी चढ़ सकता है, काफी बड़ा जो रह गया ना। चलो कोई ना भाई, मैं उसको मारूंगा जरूर। अभी मैं पता है तोप लाने वाला हूँ उसको मारने के लिए, मेरे पास में टैंक है वो भी फौजी वाला, मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। लेकिन वो सांप है कहाँ पे, उसकी लोकेशन तो भाई पुलिस वाले ही मुझे दे सकते हैं। वैसे ये गाड़ी भाई काफी अनकंट्रोल में हो चुकी है। चलो भाई कोई ना, हम लोग पहुंच चुके हैं पुलिस स्टेशन। अभी मैं उनसे पूछूंगा कि भाई वो है कहाँ पे सांप, मेरे को उसको मारना है। अरे भाई मैं गाड़ी सीधा अंदर लेके जाऊंगा, ये लोग तो भाई कुछ भी नहीं करते हैं। यहाँ पे देखो भाई तीन ऊंचे ऊंचे पुलिस ऑफिसर बैठे हैं, ये पुलिस ऑफिसर काफी बड़े हैं भाई। ये चाहे तो उस सांप को एक सेकंड के अंदर ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये लोग तो भाई बस यहाँ पे बैठे रहते अपनी कुर्सियां तोड़ रहे, काहे की पुलिस है भाई। अब ये लोग भाई मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, ये लोग अंडों और जुरासिक पार्क के बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, मैं इन सबको मार डालूंगा। चलो भाई अभी रेडी हो जाओ मरने के लिए, मैं तुम सबको मारने वाला हूँ। अबे फ्रैंकलिन ये क्या कर रहा है, जेल जाना है क्या तुझे? जेल तो नहीं जाना, लेकिन तुम सबको ऊपर जरूर पहुँचा रहा है। मैं दोस्तों इनके जल्दी जल्दी बॉम्ब लगा देता हूँ। ये लोग भी बाहर खड़े रहते हैं ना बिना काम के पुलिस वाले। अभी रुको मैं तुम सबको सबक सिखाता हूँ, ये लोग काम नहीं करते ना। और ये लोग भी भाई यहाँ पे बैठे रहते, ये बुड्ढे पता नहीं कहाँ से आ गए। इन सब के भी मैं बॉम्ब लगा देता हूँ जल्दी जल्दी से। कुछ काम तो करना चाहिए था ना यार इनको, जब से पुलिस स्टेशन बना है बस ये लोग यहीं पे बैठे रहते हैं। एक सेकंड में अपनी गाड़ी को भाई पीछे कर लेता हूँ ताकि मेरी गाड़ी भाई इन बॉम्ब के दबाव से ना फटे। चलो बस मैं यहीं पे खड़ी कर देता हूँ, अभी आएगा ना मजा, ये पुलिस वालों को मिलेगा एक बहुत बड़ा सबक। ये लोग काम नहीं करते ना, मैं जल्दी से स्टिक बॉम्ब एक्टिव कर देता हूँ। ये देखो भाई पुलिस वालों को तो भेंट बच चुकी है काफी बुरी तरीके से। अंदर जाके देखता हूँ कि पुलिस वाले मरे थोड़ी है। यहाँ पे देखो भाई मेरे कोई भी स्टार नहीं आया। ओ भाई पुलिस वाले तो ऊपर जा चुके हैं। यहाँ पे देखो ये लोग भी ऊपर लटक चुके हैं, आधी जमीन के अंदर है तो आधी ऊपर जा चुके हैं। चलो भाई बहुत मजा आया मेरे को तो। लेकिन एक सेकेंड, ये कैदी अभी भी जिंदा है भाई, तेरे को खाना कौन ला के देगा अभी, पुलिस वाले तो मर चुके हैं। चलो भाई लोगों इन लोगों की तो मैंने भेंट बजा दी, अब शायद से ये लोग काम करने के लिए लग जाए। वैसे मेरे को ये फर्जी पुलिस वाले लगते थे, क्योंकि देखो मेरे स्टार नहीं भरा अभी तक भी, पता नहीं क्यों भाई। वरना अभी तक तो भाई पुलिस वालों की गाड़ी आ जाती हमारे फ्रैंकलिन भैया को मारने के लिए। चलो भाई अभी हम लोग घर पे चलते हैं और अपना टैंक यानी बुलवाते हैं भाई, क्योंकि वो मेरे दोस्त के पास में ना, उसको मैं लेके आऊँगा या फिर मेरा दोस्त यहाँ पे छोड़ के चला जाएगा। चलो भाई लोग हम लोग आ चुके हैं अभी घर पे। वैसे मेरे को यहाँ पे कोई दिख रहा क्यों नहीं है, मेरा डॉगी लोग भी पता नहीं किधर चला गया और बाकी डायनासोर के बच्चे भी नहीं नजर आ रहे। शायद से मेरे को अंदर जाके देखना पड़ेगा। ए भाई अंदर भी नहीं है, फिर ये सब लोग गए तो गए कहाँ पे। एक सेकंड में ऊपर जाके देखता हूँ, क्योंकि अक्सर ये लोग भाई ऊपर छिप जाते हैं डर के। हाँ मैं ऊपर जाके देखता हूँ, इधर हो गए क्या, नहीं है भाई यहाँ पे भी, और इस तरफ भी नहीं नजर आ रहे मेरे को। फिर ये लोग गए तो गए कहाँ पे, अरे भाई ये आखिर गए कहाँ पे मेरे को पता भी नहीं चल रहा है। ये रिंग किसकी बज रही है, एक सेकंड में फोन को उठाता हूँ। अबे फ्रैंकलिन भाई वो सांप तुम्हारे घर से सब लोगों को उठा के लेके चला गया। दोस्तों मेरे डॉगी और डायनासोर के बच्चे तो सब लोग किडनैप हो चुके, उस सांप ने उन सबको यानी किडनैप कर लिया। अरे भाई वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसको भाई मरना है क्या मेरे हाथों।
चलो भाई अब उसका खेल खत्म होने का टाइम हो चुका है, क्योंकि अब मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। चलो भाई लोगों, इसकी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या फ्रैंकलिन भैया उस सांप को पकड़ पाता है कि नहीं पकड़ पाता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।